गुड मॉर्निंग, हाय रोया, हाय। ये देखे जी, जरोया की फूफू आई है, तो जरोया को उन्होंने हेयर बैंड लगाया। जरोया इधर आओ, ये भी आज तैयार हुई है दोबारा, और ये बहुत हैप्पी है। बाबा आप कितना खुश हो, आप वो आई कितना खुश हो। फूफो को जो ना आपको बोलते हैं, इधर देखो जरोया खुश है बच्चे आज बहुत ज्यादा। मोबाइल बैठी ही है, इनके पापा है। बाबा बताओ कितने खुश हो। इतना नहीं, मैंने ऐसे नहीं सिखाया, कैसे बोलते हैं। मोना ने दिया, क्या आपो ने दिया, किसने? चलो लगा के दिखाओ, इधर आओ दीदी, अपना ड्रेस दिखाओ। किधर जा रही हो, स्कूल में जा रही हो? जरोया हाँ, आप तो रोज ही शादी वाला ड्रेस पहनती हो। अच्छा, नए नए कपड़े पहनने हैं, अच्छी बात है। तो जरोया को भी कोई अच्छा सा दे दो। अच्छा, जब छोटे हो जाएंगे ना मेरे कपड़े, तो अब तो खराब हो जाएंगे। नहीं, मैं इसको दे दूंगी। खराब इसको दे दोगी? नहीं हाँ, इसको सही वाले कपड़े, सही वाले दोगी इसको कपड़े। चलो जरोया की, जरोया की तो मोजी हो जाएंगी। जरोया लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ जरा, बालों में लगाओ। ये जी आज बहुत खुश हैं बच्चे, इनकी फूफो आई है ऊपर। जरोया जी, ये जरोया से लेके खुद लगा रहा है। बाबा ये तो लड़कियों वाला होता है, किसका है ये? आपका? इसकी फूफो को आज इसकी शिकायत लगाते हैं, ये जो है ना सही बोलता नहीं है। बोलता से बोल रहा मैंने बोल लिया। ये तेरा भी इलाज करते हैं आज। ये जी बाबा ने नहाई नहाई कर ली है, और इसको जो है इसकी आपो ने आज नहलाया है, फूफो इसकी ने। और बाबा मजा आया? आपो ने क्या कहा था, नहाओ? और ये एकेडमी के लिए, ट्यूशन के लिए तैयार हो रहा है, और जरोया को भी चेंज करवा दिया है। जरोया इसकी पोनिया बन रही है, फिर इसकी पुप्पो ने इसको क्या कहाँ लेके जाना है, कहाँ जाना है आज? कार लेने जाना है इन्होंने जी, बाजार भी जाना है, और पार्क में भी आज लेके जाना है। ऐसे ही है, लेने जाना। आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हो। बंटी जो है ट्यूशन चला गया, और इसको ना नींद आ रही है, इसको मैंने फ्रीडम ना दिया, ये रो रही है काफी, चेंज करके ये भी थोड़ी देर सो जाएगी। जरूर जी सोई नहीं है, और दूध पी के वैसे बातें करी। हाँ जी, क्या क्या बेबी ने सोना नहीं, नहीं सोना? ठीक है, ओए नहीं सोना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो, हाय करो, हाय हाय। मेरी बेटी क्या हाय कह रही है, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। ये जिसका गुड मॉर्निंग होता है। मौसम देखें जी आज, जैसे सर्दियों फिर से लौट आई है। ये रहा ऊपर सूरज, और आपको पता ही है सूरज अगर ज्यादा उसकी रोशनी हो तो उसको
उसकी तरफ लाइट करनी कितनी मुश्किल होती है। और ये भी है सूरज ना इतना तेज नहीं है क्योंकि धूप इतनी नहीं दे रहा। दुआ करें हम सबका भी घर जाना ऐसे ऊंचा हो जाए। ये हमने सारा आगे से घर बनाना है। आप सब दुआ करेंगे हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी अपना घर जाना बना सकेंगे जल्द से जल्द। और यहाँ पे जाना मैंने किचन बनाना है इस जगह के ऊपर। ये जहाँ पे आपको गमला नज़र आ रहा है ना यहाँ पे मेरा सिंक लगेगा और ये सारी यहाँ पे शेल्फ बनेंगे। और यहाँ से जो है ना हमने सारी दीवार जो है बनानी है। और यहाँ से बच्चों के लिए ना काफ़ी ख़तरा है। यहाँ पे बच्चे जब खड़े होते हैं ना उनकी बहुत टेंशन होती है। तो भी यहाँ पे जो है ना नहीं कुछ भी खाना शाना बना रहे हैं ना धूप ना अच्छी होने की वजह से। कल से मेरे कुछ कपड़े ड्राई नहीं थे इनको मैंने डाला था लेकिन अब थोड़ी बहुत जो सुबह धूप लगी उसकी वजह से थोड़े से ड्राई हो गए। अब इनको मैं ज़रा ना उतार लेती हूँ। और ये जो है ना सोई नहीं आज बेबी। हाँ? सोए नहीं आप? खुश हो रही है। अच्छा वैसे मौसम। बाबा जानी के काम चेक करे जरा। ये ट्यूशन से भी छुट्टी पे आ गया। ट्यूशन से छुट्टी क्यों हुई बताओ जरा। इसकी मिस को बुखार चढ़ा हुआ था तो इसको छुट्टी मिल गई। ये जा रहा थी बुखार चढ़ा हुआ था जी मिस को। मिस ने अभी छुट्टी नहीं दी। कब छुट्टी दी उसने? अभी मेरे को बाहर चलना है। और आप अभी क्या कर रही हैं? मुझे खाना खाने। क्या खाना खा के आए आप उसे? चने। तो मम्मा को नहीं था खिलाना? खिलाना। तो आप मेरे लिए तो लेके नहीं आए? नहीं। इधर देखो मेरे लिए तो आप लेके नहीं आए? नहीं। चलो नीचे उतरो गिर जाओगे यहाँ से। नहीं मैं इधर कुछ। तो पार्क में कब जा रहे हो? पार्क में हम ये देखिए जी हस्बैंड जी लेके आए हैं मेरे लिए सूट गिफ्ट। और ये एक ये है दिखाएं जरा इसको खोल के भी। ये आपको खोल के भी दिखाते हैं। ये देखिए जी इधर से दिखाओ ना ये पकड़ो इधर से खड़े हो कैसे दिखाओ इसको इस तरह नहीं खड़े होके दिखाओ ऐसे इसको खड़ा करोगे ना। हाँ ये देखे जी आपने बतानी कैसी है ये देखे। और एक ये भी ऐसे पकड़ना जरा ये पापा आप मेरी आपने बताना ये कैसे हैं जी मेरे कपड़े। ये आज मेरे लिए लेके आए हैं गिफ्ट। आप सब ने मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे सूट गिफ्ट किए हैं। ये जो कलियों वाली फ्रॉक है और अनसिली है ये। और ये जो है कलियों वाली फ्रॉक सिली हुई है। और ये जो है ना आपने मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया है और इसको मैं जब शादी होगी ना रिलेटिव्स में तो मैं इस वाले सूट को सिलाई करवाऊंगी। तो आपने भी बताना है कि कैसा है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।